गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रजापति सर। आज क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का रिवीजन का वीडियो डाल रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था सर एक रिवीजन का भी वीडियो काइंडली आप डाल दीजिए, ताकि ये चैप्टर हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर सकें। मुझे भी लगा कि एक रिवीजन का वीडियो डालना है, क्यों इससे आप लोगों के नंबर भी अच्छे आ जाएंगे और ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है? संसाधन वह है जिसके द्वारा व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो एवरीथिंग रिसोर्स है क्या? तो वो रिसोर्स जिससे आपके नीड्स और डिजायर पूरे होते हैं वो संसाधन है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि संसाधन की परिभाषा, रिसोर्स का डिफिनेशन क्या होगा। तो रिसोर्स का डिफिनेशन की बात करें तो रिसोर्स जो है ऐसा होना चाहिए जो टेक्नोलॉजिकल, एसेसेबल, ओके, इसके बाद से आ जाता है इकोनॉमिकल फीजेबल एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल। रिसोर्स वो है जो मैंने आपको बताया कि टेक्निकली एसेसेबल। तो बहुत सारे रिसोर्स हैं धरती पर, रिसोर्स अनलिमिटेड है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए हमको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, प्रौद्योगिकी की ज़रूरत है। जब तक प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसको निकाल नहीं पाते। तो टेक्निकलॉजिकल एसेसेबल होना चाहिए। इसके बाद आता है इकोनॉमिकल फीजेबल, आर्थिक रूप से संभाव्य, मीन्स कि जो रिसोर्स हम लोग जो गेन करने जा रहे हैं, जितना इनपुट उसमें जितना लगाया जा रहा है उससे फ़ायदा उसको डबल हो। ये ना कि मैं जितना का रिसोर्स हम निकाल रहे हैं और निकालने के बाद से उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाए, तो इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है, मीन्स आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है। कल्चरल एक्सेप्टेबल, कि जो भी रिसोर्स है उसको समाज मान्यता दे तभी वो रिसोर्स है। अगर सोसाइटी इसको मान्यता नहीं दे, एक्सेप्ट नहीं करे, तो रिसोर्स नहीं है। ओके, तो रिसोर्स क्या है? तो रिसोर्स वो है जो टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल। ओके, तो ये रिसोर्स है। तो रिसोर्स में सबसे ज़्यादा ह्यूमन जो रिसोर्स है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। आप इस बुक में देखोगे एक ट्रायंगुलर टाइप का बनाया हुआ है जिसमें दिया हुआ है, बीच में ह्यूमन बींग्स दिया है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है और इंस्टीट्यूशन है। तो देखिए सबसे इसमें बीच में जो केंद्र बिंदु है वो मानव है। मानव नेचर में सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मानव नहीं रहे तो रिसोर्स कैसे बन पाएगा? तो मानव क्या करते हैं कि जो नेचर से जो हम रिसोर्स है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको बाहर निकालना, फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, संस्थाओं में उस रिसोर्स को का यूज करने के लिए तैयार करना। इसके लिए हम देखते हैं कि मानव, ह्यूमन बींग्स का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट ह्यूमन बींग्स हम रिसोर्स को सही ढंग से उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी प्रक्रिया जो हो रही है टेक्नोलॉजी का, इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, वो मानव के द्वारा ही होगी। इसलिए संसाधन वो है जो प्रौद्योगिकी रूप से अवेलेबल हो और इकोनॉमिकल फिजिबल और कल्चर एक्सेप्टेबल हो, उसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। ओके, अब आता है कि सर, अब इसके बाद आता है सर, इसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स क्या है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स मीन्स हो गया संसाधनों का वर्गीकरण। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण। तो दो होते हैं, एक होते जीव और एक होते अजीव, ठीक है। एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक।
एबायोटिक मीन्स क्या हो गया, अबायोटिक मीन्स क्या हो गया, जीव, वे तत्व जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि पाए जाते हैं वो क्या हो गए, बायोटिक हो गए। एबायोटिक क्या हो गए, वे तत्व जिसमें निर्जीव तत्व पाए जाते हैं, जैसे आप चट्टान ले लो, कॉपर ले लो, मिनरल्स ले लो, आयरन ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, दीज आर एबायोटिक रिसोर्स। ओके, तो जीव और अजीव, जीव मीन्स जिसमें जीव तत्व की प्रधानता है, प्लांट, ट्री, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, दीज आर बायोटिक। एबायोटिक जिसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो अजीव तत्व से प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्स। ओके, अब आता है सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो एक आता है रेन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा आता है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। नवीकरणीय, वे रिसोर्स जिसका प्रयोग हम बहुत वर्षों से, लाखों वर्षों से करते आ रहे हैं और फ्यूचर में भी उसका हम प्रयोग करते रहेंगे, जैसे आप सन ले लो, सन लाइट ले लो, वाटर ले लो, एयर ले लो, ये सारे क्या हैं, रेन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, वे रिसोर्स जिसका एक बार यूज करने के बाद से दोबारा हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते, जैसे आप देख लो कोल ले लो, पेट्रोल ले लो, ये सारे क्या हैं, अगर हम इसका जो एक बार यूज कर लें तो दोबारा हम इसको फिर से रेनोवेट नहीं कर पाते। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर हम लोग देख क्या रहे हैं, एक हो गया रेन्यूएबल और एक हो गया नॉन रेन्यूएबल। फिर आता है कि सर रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल में क्या क्या डिफरेंस है। तो रेन्यूएबल जो है वो बार बार उसको हम उपयोग करते हैं और वो बार बार हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। नॉन रेन्यूएबल क्या है कि जिसका हम एक बार उपयोग में लाते हैं कि दोबारा हम इसको प्रयोग में नहीं ला सकते। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत संसाधन, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या हो गया, वे रिसोर्स जो आपके हैं, जिसमें केवल आप उसके मालिक हैं, जैसे आपकी किताब, आपका बैग, आपका बुक, आपका घर, आपका मकान, आपकी कार, ये सारे क्या हो गए, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गए। फिर आता है कम्युनिटी बेस, कम्युनिटी वे रिसोर्स जिसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समुदाय का, पूरे कम्युनिटी का होता है, जैसे पार्क की बात कर लो, जैसे शमशान घाट की बात करो, पार्क हो गए, पिकनिक स्पॉट हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, मैरिज हॉल हो गए, ये सारी जो चीज़ है ना, ये क्या के कम्युनिटी बेस हो गए, समुदाय का जिस पर अधिकार होता है। ओके, अब आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या है, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री आर नेशनल रिसोर्सेज। तकनीकी तौर पर जितने भी रिसोर्स हैं वो राष्ट्र रिसोर्स है, राष्ट्रीय रिसोर्स है। जैसे एग्जांपल की बात करें, फॉरेस्ट ले लो, वाइल्ड लाइफ ले लो, लैंड डिवीजन एंड द पॉलिटिकल टेरिटरीज, ये सारे जो है ना नेशनल रिसोर्स हो गए, जिसमें नेशन का अधिकार है, राष्ट्र का अधिकार है, राष्ट्र इस सारे रिसोर्स का यूज करके फिर जनता में सारी फैसिलिटीज को देना देता है। अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स, जो किसी देश का नहीं होके अंतर्राष्ट्रीय है। द ओशन रिसोर्सेज बिहाइंड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग द इंटरनेशनल रिसोर्स। तो जो 200 किलोमीटर समुद्री तल से जो दूर वाले जो भाग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रिसोर्स में आएंगे, उसका प्रयोग कोई एक राष्ट्र नहीं करता, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं और जिसका जिसका रिसोर्स का यूज करके
पूरे विश्व के कल्याण के लिए, वर्ल्ड के वेलफेयर के लिए उस इकोनॉमी का प्रयोग किया जाता है, उस पैसे का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब आता है इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उसमें पहला बात करेंगे पोटेंशियल, संभावित संसाधन। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज पार्टिकुलरली, राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड्स एंड सोलर एनर्जी बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि पोटेंशियल संभावित रिसोर्स में देख रहे हैं कि आज जो है राजस्थान और गुजरात में विंड्स एंड सोलर एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको प्रॉपर ढंग से इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब आता है डेवलप्ड रिसोर्स। वे रिसोर्स जिसका हम लोग सर्वेक्षण कर लिए हैं, सर्वे कर लिए हैं, उनके उपयोग, गुणवत्ता, मात्रा भी निर्धारित हो गई है, तो वैसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। ओके,